इस वीडियो में हम माइंड मैप कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। माइंड मैप एक विजुअल थिंकिंग टूल है। यह हमें अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। स्टार्टिंग में हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइंड मैप का टूल का लोगो इस तरीके से दिखता है। हम इस पर्टिकुलर माइंड मैप को बनाने के लिए फ्री प्लेन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए। फ्री प्लेन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको इंटरनेट में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अवधारणा या विषय से जुड़े हुए कार्य, शब्द, वस्तुओं को एक गैर रेखीय लेआउट बनाने में हमें ये मदद करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर को ओपन होने में लगभग 15 से 20 सेकंड लगते हैं। ये उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, ये लैंडिंग पेज है। हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम न्यू मैप पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये न्यू माइंड मैप का जो कैनवास है वो आपके सामने खुल गया है। ये जो व्हाइट कलर का कैनवास है उसमें न्यू माइंड मैप लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल नोड को हम कैनवास के किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो अगर आपका माइंड मैप बहुत बड़ा हो जा रहा है या बड़ा बनाने का आपका इच्छा है तो आप इसको कैनवास में किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे दिलचस्प टूल्स और फीचर्स भी हैं। हम धीरे धीरे उसको आगे आप लोगों को बताते हैं। पहला है कि हम इसको जूम और जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस टैब में अभी हम काम कर रहे हैं उसमें मैं अभी 400% किया, 150% किया। तो आप अपने माइंड मैप को अपने काम के अनुसार जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर के बाद हम एक नया फीचर में जाएंगे जो है फॉन्ट का साइज। आपके जरूरत के हिसाब से आप अपना फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसका इस्तेमाल करके भी अपने माइंड मैप को और ज्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो अभी हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉन्ट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि माइंड मैप का जो सेंट्रल नोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो फिलहाल इस माइंड मैप को बनाने के लिए हम 20 फॉन्ट साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दूसरा उसका फीचर ये है कि हम इस माइंड मैप के जो सेंट्रल नोड है उसको हम चेंज करेंगे। तो उदाहरण के लिए हम ये मानते हैं कि हम गणित विषय है, उस टेक्स्ट बुक में क्या क्या चैप्टर्स है उसके बारे में हम आज इस माइंड मैप के जरिए चर्चा करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मैथ्स टेक्स्ट बुक लिखा और उस मैथ्स टेक्स्ट बुक उस सेंट्रल नोड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको और सारे फीचर्स आएंगे। तो कृपया हम इसमें एक इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे कि 9th क्लास का टेक्स्ट बुक का इमेज हम यहाँ पे देंगे ताकि आपको पता चलेगा कि हम किस पर्टिकुलर बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि माइंड मैप बनाते टाइम आप इसको सेव कर लें, तभी जाके आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने SCERT में जो 9th कक्षा की मैथ्स का टेक्स्ट बुक है उसका फ्रंट पेज ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने अपलोड करके मैथ्स के टेक्स्ट बुक को यहाँ पे मैंने अटैच किया। थोड़ा सा माइंड मैप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका फॉन्ट साइज हमने थोड़ा सा छोटा किया ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इसके बाद हम उसका सिस्टर नोड और डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। एक चीज और इस फीचर्स, इस पर्टिकुलर फ्री प्लेन का फीचर ये भी है कि हम किसी भी नोड में उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब यह है कि कोई भी नोड आपने बनाया, जैसे यहाँ पर हमने मैथ्स टेक्स्ट बुक सेंट्रल नोड है, इसमें हम चाहते हैं कि हम कुछ डिटेल लिखें कि किस विषय पे है, क्या है। तो अभी हम इस सेंट्रल नोड पे टेक्स्ट बुक का लिंक हम देंगे कि कहाँ पे उस टेक्स्ट बुक को हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट बुक मैंने SCERT के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है तो मैं यहाँ पे SCERT का ऑफिशियल साइट का जो URL है, जो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं दे रहा हूँ, scert.cg.gov.in। आप देख सकते हैं कि मैथ्स टेक्स्ट बुक के लेफ्ट में एक राइट कलर का एक एरो आ गया। दूसरा चीज है कि इस मैथ्स टेक्स्ट बुक का जो डिटेल है उसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि क्या है,
कहाँ से आया है या कौन इसको क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने डायलॉग बॉक्स के ऊपर हम लिख सकते हैं कि एससीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक इज रिटन बाय सम ऑर्गेनाइजेशन या रिटन बाय सम पर्टिकुलर पर्सन, या हम इस मैथ्स टेक्स्ट बुक के जो पेडागॉजिकल पिलर्स हैं, जो भी हम डिटेल में लिखना चाहते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम ओके कर देंगे। तो मैथ्स टेक्स्ट बुक के ऊपर आप देख सकते हैं जो सेंट्रल नोट है उसमें हमने फोटो अटैच कर दिया, उस वेबसाइट का हमने लिंक दे दिया और उसका डायलॉग बॉक्स भी हम वहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अभी हमारे जो नेक्स्ट काम ये होगा कि इस पर्टिकुलर मैथ्स टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी उसके चैप्टर्स हैं, जो भी उसके यूनिट हैं, उसके बारे में हम विस्तार से इसको एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने रखें। इस पर्टिकुलर जो उसका नोड है उसको बनाने के लिए हम दो टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक है कि क्रिएट न्यू नोड, उसके लिए आपको मैथ्स टेक्स्ट बुक के जो सेंट्रल सेगमेंट है उस पर आपको जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथ्स टेक्स्ट बुक लिखा है, हमने राइट क्लिक किया और वहाँ पे ऐड नोड, ऐड न्यू चाइल्ड नोड करके आप उसको क्लिक करेंगे तो एक न्यू चाइल्ड नोड ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल हम यूनिट वन में यूनिट वन को हम लिखते हैं कि ये यूनिट वन में क्या है। तो मैंने थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज बढ़ाया ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली दिखे। यूनिट वन में एक ही चैप्टर है तो उसके लिए हमने और एक सिस्टर नोड हमने क्रिएट किया और हमने लिखा चैप्टर वन, और चैप्टर वन जो है हमारा वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर है तो हमने वहां पे लिख दिया हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। इसको थोड़ा हम फॉन्ट को बढ़ाते हैं। यस, ठीक उसी तरीके का हम मैथ्स के जो बाकी यूनिट्स हैं उसको भी हम माइंड मैप के जरिए बता सकते हैं और लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही मैप के ऊपर हम बहुत सारे चीज़ों को एम्बेडेड कर पा रहे हैं। इससे हमारी जो पूरा आइडिया है वो पिक्चर में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस जो हमने सिस्टर नोड बनाया है उस सिस्टर नोड में हम डिफरेंट काइंड ऑफ बबल्स भी बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एस्थेटिकली अगर उसको अच्छा दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एडिट नोड भी हम कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, और हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जो जो भी कीवर्ड्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक हमको कवर करना है उसके बारे में भी हम नोट्स में लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमने नोट लिखा था वो हमारे जो नोड है उसके ऊपर आ गया। सिमिलरली हम एक दूसरा चाइल्ड नोड क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे यूनिट टू। यूनिट टू का थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे और उसको हम स्क्रॉल कर देंगे या थोड़ा सा उसको राइट डायरेक्शन पे ले आएंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में आप अपने नोड को शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिट टू में पांच चैप्टर्स हैं तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पांचों चैप्टर का डिफरेंट जो उसका नाम है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स जो कवर किया गया है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। थोड़ा फॉन्ट साइज हम बढ़ा दे रहे हैं। तो चैप्टर टू रियल नंबर्स पे है। सिमिलरली हम नया ऐड नोड करेंगे, न्यू चाइल्ड नोड, और अभी हम चैप्टर थ्री के बारे में वहाँ पे लिखेंगे कि चैप्टर थ्री में कौन सा चैप्टर कवर हो रहे हैं। तो चैप्टर थ्री जो है एक्सपोनेंट्स के ऊपर है, हमने उसको लिखा एक्सपोनेंट्स, उसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिए, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दिए ताकि ये बाकी नोड की तरह सिमेट्री दिखे। दोनों नोड के बीच में हम थोड़ा सा गैप कम भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो बाकी चैप्टर्स हैं वो भी एक ही पेज पे आ जाए। अभी हम हर जो यूनिट टू के नोड है उसको हम डिफरेंट बबल्स देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डिस्टिंग्विशली अलग अलग दिखे। तो सिमिलरली हम चैप्टर फोर फाइव भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि चैप्टर फोर एंड फाइव में क्या कवर हो रही है। चैप्टर फोर और फाइव पॉलीनोमियल और लीनियर इक्वेशंस पे होंगे। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग माइंड मैप है अगर उसको हमको स्ट्रक्चरली
क्रिएट करना है तो आप देख सकते हैं आउटलाइन व्यू है। अगर अपने माइंड मैप पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आउटलाइन व्यू पे आ जाएगा। सो आउटलाइन व्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज हो जा रहा है। अभी हम जितने भी क्लाउड डाले थे उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं ताकि हमारे माइंड मैप थोड़ा सा सिस्टमेटिक और सिमेट्री दिखे। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड में आप कीवर्ड्स को दर्शा सकते हैं ताकि वहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक ही माइंड मैप पे हम मेंशन कर पाए। अभी माइंड मैप को एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में। जैसे आपने देखा होगा मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ और डेस्कटॉप में हमारा मैथ्स टेक्स्ट बुक का जो हमने माइंड मैप क्रिएट किया था वो हमारे सामने है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये जो माइंड मैप हमने क्रिएट किया था ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। इस तरीके से बच्चे जो है अपने बच्चे और टीचर्स अपने नोट्स बना सकते हैं।